मुख्य कोच रविवार शास्त्री ने वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच होने की संभावनाओं पर पहली बार अपनी बात रखी। शास्त्री ने कहा, अगर सरकार चाहती है कि हमें वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए, वहां खेलना संवेदनशील है, टीम सरकार के फैसले का साथ जाएगी, हम नहीं खेलेंगे। इस मामले के बारे में वही जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, उन्हें ही निर्णय लेना है। इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई तक वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएगा। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 16 जून को मैनचेस्टर में खेलना है। जो भी हुआ, हम उससे दुखी, कोहली। दूसरी ओर कप्तान विराट कोहली ने कहा, सरकार और बोर्ड जो भी निर्णय लेगी, हम उसी के साथ जाएंगे, उनके फैसले का सम्मान करेंगे। घटना के बाद इन परिस्थितियों में हमारा यही रुख है। भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 सीरीज का पहला मैच खेलेगी। कोहली ने CRPF हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, जो भी हुआ, हम उससे दुखी और स्तब्ध हैं। देश, सरकार और BCCI जो चाहेगा और जो फैसला करेगा, हम वही करेंगे। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने कहा था, भारत के पास पाकिस्तान को फिर से हराने का मौका है। टूर्नामेंट में उसके खिलाफ नहीं खेलने से पाकिस्तान को 2 अंक मिल जाएंगे, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मेरे लिए देश हमेशा पहले है, इसलिए मेरा देश जो भी फैसला करेगा, मैं हृदय से उसे स्वीकार करूंगा।